तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये बेटा था तीन पॉइंट इन समझ, जब वो पॉइंट समझ आएंगे फिर आप न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते। So, आज के लेक्चर में हम वही पॉइंट 6-7 पॉइंट्स होंगे बेटा, वो पॉइंट स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, नजर आएगी। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो है क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आसानी होती है वीडियो बनाने में। वजह से बेटा क्या क्या यूज बेटा यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। यहां पे सोर्स नंबर वन था S1, ये दोनों सोर्स नंबर टू S2, हालांकि ये दोनों बड़ा कोई सोर्स, यहां से रे निकली, यहां से रे निकली, मैंने दो सिलेंडर्स के बाद सेटअप बनाया। और यहां पे एक स्क्रीन था, स्क्रीन कितना दूर था, कैपिटल डी, सिलेंडर्स कितने दूर थे, स्मॉल डी। ठीक है, आपने देखा यहां से रे ऑफ लाइट निकली, सेंटर पे पहुंची, यहां से रे ऑफ लाइट निकली, सेंटर पे पहुंची, सेंटर पे हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां से रे ऑफ लाइट निकली, यहां पहुंची, यहां से रे ऑफ लाइट निकली, यहां पहुंची। ठीक है, वेव फ्रंट बेसिकली मुझे समझाना, मुझे बनाना थोड़ा इजी। पॉइंट पी, सो पहले आपने निकाला पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर तो बेटा याद आए, ये द्राव तो गोबर बराबर S2P - S1, फॉर्मूला तो गसन आसने है S2P - S1। और अगर ये जो इधर जो बेटा नजर, अगर सेंटर जी सेंटर सेंटर वाला, सेंटर वाला जो मिटा हो रही है, मिटा हो, ठीक है, सेंटर रूट, दो सिल्टस का सेंटर, पूरा नजर रखिए बेटा, दो सिल्टस का सेंटर, दो सिल्ट, ये सिल्ट नंबर वन, सिल्ट नंबर टू, दो सिल्टस का सेंटर पॉइंट पी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या वहां एंगल बना रहा है, थीटा। तो यही डेल्टा एक्स आपको मिला डी साइन ऑफ थीटा के बराबर, डी गई डिस्टेंस बिटवीन टू, बता रहा है पॉइंट बी, समझोगे जरूर समझो, इधर थोड़ा चामली तो हम समझ के बताते भी। इशू बेटा सिल्ट नंबर वन, इशू बेटा सिल्ट नंबर टू, सिल्ट वन, सिल्ट टू। ठीक है बेटे, ये ऊपर पहुंचा, ये ऊपर पहुंचा, ठीक है, ये वो एस टू, तो ये वो एस वन, सेंटर वोल्ट या पॉइंट सी, सेंटर ऑफ सिल्ट, सिल्टस का जो सेंटर है, ये बना रहा है एंगल कितना, थीटा। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आया, डी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं डी टेन थीटा, ये ले चॉइस ज्यूरिंग डेराइवेशन, ये आपको आया है, आप नजर देख सकते हो। पद जो होते हैं टेन थीटा, बदलो वाई बाई कैपिटल डी, अगर तो याद है, यूज वाई तो यूज कैपिटल डी। ठीक है, ये वो बेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, यही डेल्टा एक्स आपको आएगा फिर डी टेन थीटा के बदले परपेंडिकुलर के बेस वाई बाई डी, ये गो बेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, तो ये गई इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट ड्रा, ये पॉइंट नो डाउन डाउन कर, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना छ, डी साइन थीटा, एक्चुअल छ ये फार्मूला डी साइन थीटा, मॉडिफाई गसित बनी डी टेन थीटा, तो ये कर दो डेराइवेशन में जो होता है यात्री को ना इक्वेशन नंबर वन अगर तो याद है, मगर चीज याद तो न्यूमेरिकल खतर अलग पे तेन डेराइवेशन कर तो ऐसे यूत याद थोम कि ठीक है, ये गोल बोल वो पॉइंट नंबर वन लिखो तो पार डिफरेंस। पदरा तो बेटा सेकेंड पसो तो पाई, यही पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये आपको निकली एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट बैंड के लिए। ठीक है गोबर, वन ऑफ कोर्स फॉर्मूला डेल्टा एक्स ना कहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला, अगर बेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल आज तो डेल्टा एक्स बदल क्या लिखे थे, डी साइन ऑफ थीटा, कौन से बेटा का बराबर द्राए एन इंटू लैम्डा, क्या इसकी कुछ साथ है ये सांड से एंगुलर पोजीशन, तब से बेटा साइन थीटा का बराबर नहीं है एन लैम्डा बाय स्मॉल। अगर इन टर्म्स ऑफ ये डेल्टा एक्स लिखे तो वाई, डेल्टा एक्स बदल क्या लिखे थे, डी वाई बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, ये उसने डेराइवेशन में लिखो तो
आई द्रव y एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी द्रव बेटा तुम वो यहाँ क्या फर्क दपान पोजीशन दपान पोजीशन इसको लेकिन y को बोलते हैं लीनियर पोजीशन क्या दपान लीनियर दपान एंगुलर पोजीशन इसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। सो क्वेश्चन में कभी होता है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज थर्ड ब्राइट की पोजीशन ढूंढो यह क्वेश्चन में लिखित मगर यह गुन मेंशन कर लीनियर कि एंगुलर लीनियर कि एंगुलर अगर लीनियर सेंटीमीटर मीटर या मिली मीटर मिल लगाओ ये फार्मूला एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये फार्मूला यूज करेंगे कि लीनियर अगर और दबी फाइंड द एंगुलर पोजीशन फिर ये फार्मूला यूज करो एंगल्स में क्या कैपिटल डी मैं एन लैम्बडा बाय स्मॉल डी योदा बेटा ठीक इथे पे बेटा डार्क डार्कन खतर पको सर डार्क फ्रिंजस के लिए यही जो पाथ डिफरेंस है आपको निकली 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्बडा ठीक है डेल्टा एक्स वह जो फार्मूला कस फार्मूला अख लीनियर फार्मूला बहुत एंगुलर फार्मूला अगर लीनियर फार्मूला लगाम तेल क्या लगाओ डेल्टा एक्स बदल शबाश डी साइन ऑफ थीटा नी बराबर 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्बडा ठीक है उबर यह डी वैसे बोन ते द्राई साइन थीटा तो अगर y आसे काड़ों तो नीरी ते बराबर 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी गो अच्छे नेरान जो पोजीशन आगे पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड आगे पोजीशन ऑफ डार्क बैंड लेकिन ब्राइट बैंड में दो फार्मूलाज है एक लीनियर पोजीशन दूसरी एंगुलर पोजीशन इसी तरह से डार्क फ्रिंजस में भी दो फार्मूलाज है एक लीनियर फार्मूला दूसरी एंगुलर फार्मूला बेचुन करो एंगल्स में सिर्फ कैपिटल डी करो गोब कैपिटल डी गा गोब पाने साइन थीटा न्यूमेरिकल में हाँ थोड़ा बहुत दूर नहीं तमें द्रा बेटा अगर तुम याद आ फ्रिंज विड़त फ्रिंज विड़त ठंडी बेटा इस फ्रिंज विड़त बीटा यह द्रा तुम बराबर बेटा लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी यह द्रा तुम फ्रिंज लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी द्रा फ्रिंज विड़त चाहे ब्राइट की फ्रिंज विड़त हो या डार्क की फ्रिंज विड़त हो बुझे सा बेटा फ्रिंज विड़तस पे ना पॉइंट्स ये जो फ्रिंज विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा व्हाट डज दैट मीन इफ वेव लेंथ इज इंक्रीज्ड पार्टी नोट डाउन कर दिस मीन्स दैट इफ वेव लेंथ इज इंक्रीज्ड कामा फ्रिंज विड्थ इंक्रीज फ्रिंज विड्थ इंक्रीज वन दिप तुम्हें बेटा वी आई बी जी वाई ओ आर इसमें ये जो सात कलर्स है इसमें फ्रिंज विड्थ किसमें मैक्सिमम होगी किसमें मिनिमम होगी बोलिए बेटे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा सो फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन थ्री बनाबा मुझे बाकी अंडरस्टूड रेड कलर की फ्रिंज विड्थ है इट इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ ग्रीन कलर इट इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कलर ये नो डाउन करो क्या आया है एक बार इसी एग्जाम ये फ्रिंज विड्थ का ऑर्डर सबसे ज्यादा रेड की होगी फ्रिंज विड्थ उसके बाद ग्रीन की उसके बाद वायलेट की इस पॉइंट बेटा ब्याक फ्रिंज विड्थ यू छु बेटा इन ईयर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी व्हाट इज कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन सो अगर हम स्क्रीन को मूव करेंगे क्या करेंगे मूव अवे अगर हम स्क्रीन को मूव करेंगे अवे 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 फ्रॉम सिल्ट अवे फ्रॉम सिल्ट सिल्ट से हमने दूर लिया सो कैपिटल डी क्या होगा इंक्रीज अगर कैपिटल डी इंक्रीज हुआ बीटा भी क्या हुआ इंक्रीज कैपिटल डी इंक्रीज हुआ बीटा भी हुआ इंक्रीज अगर हम स्क्रीन को मूव करेंगे क्या करेंगे स्क्रीन को मूव टुवर्ड सिल्ट कैपिटल यानो नजदीक सिल्टन नजदीक कैपिटल डी क्या बेटा डिक्रीज अगर कैपिटल डी को डिक्रीज फ्रिंज विड्थ क्या वो ब्यूटिफुली डिक्रीज योरदाशा क्लियर इथे पे ब्याक पॉइंट यूज बेटा ये फ्रिंज विड्थ यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी व्हाट डज दैट मीन बेटी जरा इसका मीनिंग क्या हुआ अगर हम स्मॉल डी को डिक्रीज करेंगे फ्रिंज विड्थ क्या होगा इंक्रीज अगर डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स करो डिक्रीज अगर डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स करो डिक्रीज फ्रिंज विड्थ क्या इसको बोल इंक्रीज ये वो ब्याक पॉइंट वन जो बेटा बे क्या अगज पॉइंट इंपॉर्टेंट ठीक है वो ब्याज पॉइंट इंपॉर्टेंट
अगर हम यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है बेटे ये करते हैं, हम दो सिल्ट लेते हैं, सिल्ट वन सिल्ट टू, थ्री चीज का इंटरफेरेंस। अगर हम वन सिल्ट करेंगे क्लोज, एक सिल्ट करेंगे आख सिल्ट को रे बंद, सो इंटरफेरेंस नहीं होंगी, इंटरफेरेंस गई नहीं। क्या इंटरफेरेंस खतर कत सोर्स जरूरत, जो सोर्स ये वो तुम अख सोर्स क्लोज करो, क्लोज सो पेपर सेपर थो बुत यह गो क्लोज स्क्रीन पे बना ब्राइट बैंडस तो डार्क बैंडस, नो देर विल बी नो ब्राइट और नो डार्क बैंडस ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ना ब्राइट बैंडस बनेंगे ना डार्क बैंडस बनेंगे, हाँ स्क्रीन पे लाइट होगी, लाइट ये लाइट द्राई लाइट पे स्क्रीन थे उसे बेटा पॉइंट नोट डाउन करते। इफ वन ऑफ द सिल्ट्स इन वाई डी एस सी, इफ वन ऑफ द सिल्ट्स इन वाई डी एस सी इज क्लोज्ड देन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, देन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर बने इंटरफेरेंस पैटर्न की, बट देयर विल बी जनरल इल्यूमिनेशन ऑन स्क्रीन, जनरल लाइट आज देयर विल बी जनरल इल्यूमिनेशन ऑन स्क्रीन। करो बेटा नोट डाउन, यू गो बैक वी सबमिट वाई डी एस सी यह परफॉर्म वैक्यूमस मा सोरी सेटअप कत मज वैक्यूमस मोर फ्रिज वड़ित नीटा, अगर बहुत यह वाई डी एस सी यह कर परफॉर्म अकिस लिक्विडस मत करफॉर्म अकिस लिक्विडस मिल तक गेंज वो बेटा तक गेंज तल सा बीटास क्या फार्मूला लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, अगर मैं सोरी सेटअप चु ये सिल्ट वन सिल्ट टू इत पट सोरी सोरी सेटअप यू चु बेटा सोरी सेटअप ये सोरी सेटअप त्रो कत मज वाटरस मज त्रो वाटरस मज कैपिटल डी गोवा चेंज नो ये चु तत कैपिटल डी ये त कैपिटल डी कैपिटल डी चु तत ती ये ती स्मॉल डी वहां भी ये है यहां भी ये है स्मॉल डी भी चेंज नहीं हुआ। ये जो वेव लेंथ है बेटा ये वेव लेंथ ये लिक्विड में चेंज होती है, लिक्विडस में गसानी चेंज लिक्विडस में क्या गई, सो ये तेन ये तेन तो लैम्डा चु बेटा तो शु लेखन बदले लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, लैम्डा के बदले क्या लिखना है लैम्डा बाय म्यू, म्यू क्या गो बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं, वो चु बेटा लिक्विडस में क्या क्या फॉर्मूला है पकिव सर व्हाट आर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स इन लिक्विड, पाक से बेटा वायस क्या ये फार्मूला टू वायस क्या उस फार्मूला वैक्यूमस मज उस फार्मूला एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फार्मूला वैक्यूम में थी लेकिन लिक्विड में ये फार्मूला नहीं आएगी, लिक्विड में आएगा बेटा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और नीचे म्यू से डिवाइड होगा, लैम्डा जो है इसको म्यू से डिवाइड करना है, ये म्यू से और डार्क बैंड जो है वाई क्या फॉर्मूला थी वैक्यूम में टू एन माइनस वन बाई टू लैमडा डी बाई डी ठीक ओवर तस्वीर क्या नहीं टू एन माइनस वन बाई टू ठीक है बेटे लैमडा कैपिटल डी बाई डी मगर डिवाइडर बाई गई म्यू से चु कर डिवाइड। अच्छा फ्रिज विड़ित क्या नियर वे फ्रिज विड़ित नियर बीटा वन वन आता बीटा डैश की नो फ्रिज विड़ित कस बराबर नियर बेटा लैमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लेकिन इसको भी डिवाइड होगा म्यू से लैम्डा से डिवाइडेड बाई म्यू करो कि हर कोई वैल्यू डिवाइडेड बाई म्यू करो तल सो गोबर यह फार्मूला क्या लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ये ना ओरिजिनल बीटा ये गो बीटा तो यह गो म्यू सो नो फ्रिज विड बीटा डैश कस बराबर द्राई गोबर बीटा डिवाइडेड बाई म्यू ये क्वेश्चन आव नीट एंट्रेंस 2020 फ्रिज विड इन वैक्यूम दपे फ्रिज विड 4 mm यह हा वैक्यूमस मज वन हा लोगो मे लिक्विडस लिक्विडस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ठाण सा नो फ्रिज विड सो दपो सिंपली ए दो फ्रिज विड बीटा डैश गोबर यह हा बीटा डिवाइडेड बाई म्यू बीटा कत बराबर 4 म्यू कत बराबर 4/3 और बीटा डैश बराबर 3 ना पता भी कुछ साथ फाइंड द चेंज इन फ्रिज विड चेंज गई बेटा ओरिजिनल माइनस फाइनल ओरिजिनल माइनस फाइनल ठीक है बेटा आख पॉइंट शो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब लास्ट पॉइंट ठीक है वजह से बेटा यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा यह सेटअप यह सेंटर
ठीक है बेटे, ये धनुष बना ब्राइट, क्या उसका सांप आता, ये धनुष बना याओ, ये धनुष बना ट्याओ, ठीक है, ये धनुष आसान पोजीशन ऑफ ब्राइट मैन इज द डार्क मैन वन चुन करून किहीन ये तो चूज बकर अ ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस इट पुट कर इंट्रोड्यूस ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास स्लैब इज थिकनेस इक्वल टू टी ठीक छ गोबर योर गसना लाइट प्रॉब्लम क्या छ गसन यूज फ्रिंज विड्थस पर पेन फर्क ही क्या फ्रिंज विड्थस का बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ना गो लैम्डा चेंज ये गयो अंदर किन गो चेंज मगर ये लाइट ड्राइव वापस लैम्डा रूट अनचेंज दी दंत एयर ही दंत एयर कैपिटल डी तो होई स्मॉल डी तो होई सो ना लैम्डा पे चेंज हुआ ना कैपिटल डी पे चेंज हुआ ना स्मॉल डी पे सो फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तेल क्या गए चेंज योस फ्रिंज ये तो नस बना बेटा ये गच पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड्स फ्रिंज योस ये तो बना ये खिस थोड़ा और पा ठीक सर लेकिन से बेटा व्हेन अ ग्लास स्लैब शु सॉरी फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड in the path of one of the silt is introduced in the path of one of the silt then fringe width remains unchanged fringe width pe koi effect nahi pada fringe width remains unchanged fringe width pe pad ko nahi but fringe pattern shifts ये चुनो जरूरी अपवर्ड ये है कि अपवर्ड तो सिर्फ डाउनवर्ड तो सिर्फ अगर हेरमिस सिल्टस अगर अपर वाले सिल्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स अगर लोअर वाले सिल्ट को लगाएंगे इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स शिफ्ट ए पार्ट मंचु क सेंटीमीटर खसी और शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस गिवन बाय शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस गिवन बाय देखिए बेटा म्यू माइनस 1 इनटू टी बीटा बाय लैम्डा ये जो दे लगा मैंने फॉरवर्ड बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इनटू टी यू तक पैटर्न गेस बेटा शिफ्ट अगर ना ये फार्मूला आज के साथ आसने बीटा गिवन की है तेल है को डेल्टा एक्स बदल गई विद कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 टी ये सा डिस्टेंस कैसी हो ये सा सेंटीमीटर से इतने मीटर्स कैसी हो या डाउनवर्ड अगर अपर सिल्टस तेल कैसी होता है और अगर लोअर सिल्टस तेल कैसी होता है कुन सा दबी ये गोबर चदा पी ये कस फ्रिंजेस खोद जोर ये तर फ्रिंजेस खोता है और ये तंदु पुछे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तेल लगा वो ये फार्मूला बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 टी मतलब भाई कस फ्रिंजेस खोद जोर तर फ्रिंजेस खोता है और जोर फ्रिंजेस खोता है और बी लिखे बेटा बी बाय अ नंबर ऑफ फ्रिंजेस हां बाय अ number of fringes n equal to that's a simple formula mu minus 1 into t by lambda agar number of fringes asan karin kurs fringes ko tho ye formula agar distance as karin yama to yams ka to formula thik chhe beta him kar ma aaj 5 point discuss yama bare he kanu to youngs double slit experiment question karit kyan mun cha 34 point be pending ha next videos mas anbu tim 34 point be yat pet kyan questions theek hai so that is sufficient for today. Thank you.